बिल गेट्स दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना। जो अभी भविष्य में आपको किसको चाय पिलाने वाले? नरेंद्र मोदी जी को। अब उसने वादा ठोक रहा है कि अब चाय पिलाऊंगा तो सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी को आप चाय पिलाएंगे। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है जिसका नाम है डॉली की टपरी। तो एक छपरी, छपरी नहीं है दोस्तों, वो छपरी नहीं रहा, अब उनके फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गए हैं। देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े सातवें नंबर पर अमीर व्यक्ति आते हैं, बिल गेट्स, उस जैसे आदमी से आकर उसे चाय पिए हैं और उनके साथ रील्स बनाए। तो दोस्तों, उसका एक वर्ड था, एक उसने एक शेर कहा था कि मैं अपने स्टाइल में बेचता हूँ चाय, तो लोग मुझे कहते हैं छपरी। गूगल में सर्च करके देख, MBA चाय वाले से ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। तो दोस्तों, रियल सी बात है, ये सोशल मीडिया का एक ऐसा पावर है ना कि जीरो से हीरो कब कर देता है कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग के पास भी अगर कुछ ना कुछ टैलेंट है तो उसको जरूर सोशल मीडिया पे लाया कीजिए, दिखाया कीजिए, ना जाने आप भी कब वायरल हो जाए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी छोटा सा भी कोई टैलेंट है तो उसको बस छुपाइए मत, अब सोशल मीडिया पे आइए, यूट्यूब पे आइए, फेसबुक पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, बहुत सारे एप्स है, जरूर अपना कला को दिखाइए। तो उसके कहने का मतलब भी दोस्तों, देख सकते हैं कि किस तरह से आज उनको प्यार मिल रहा है, उसके पास टाइम नहीं है पब्लिक को टाइम देने के लिए। एक वक्त था दोस्तों जब वो चाय रोड पर बेचा करते थे, उस नागपुर में रोड पे लगाया हुआ, मैं भी उससे गया था मिलने, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर चल रहा है। वो अब मुलाकात नहीं करते जल्दी, उसके लिए टाइम लेना पड़ता, टाइम भी नहीं मिलता किसी को, और किसी को टाइम भी नहीं देता, घर पे रहते हैं लेकिन वो आते नहीं है। आपको स्क्रीन पर शो होगा, मैं भी गया था मिलने के लिए लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं हुई, लगभग 2 दिन गया था उसके पास दुकान पर, कब आएंगे, घर पे थे लेकिन आए नहीं, मिलने के लिए नहीं आए। वो इतना उसका ये वैल्यू बढ़ गया अभी। तो दोस्तों, जीरो से हीरो हो गया कब गारंटी नहीं। एक वक्त था कि वो चाय बेचने के लिए पब्लिक कस्टमर का इंतजार करता था कि कब कस्टमर आए हमारे से चाय पिए, लेकिन अब पब्लिक उसका इंतजार कर रहा है कि कब डॉली आए टपरी पे, डॉली की टपरी पे वो की चाय उससे हम पिए और रील्स बनाए। ऐसा उसका पावर बन गया, स्टार बन गया है वो। तो सोशल मीडिया का पावर है दोस्तों, अपना एक कला था उसका, चाय जो देते है ना वो इसका स्टाइल, और पैसे लेने का स्टाइल, सिगरेट जला करके पिलाने का स्टाइल, और इलायची देते हैं उस पर का स्टाइल, वो सब स्टाइल देख करके उस पर अच्छे अच्छे लोगों ने फिदा हो गए, उसके स्टाइल को, उसके ये कलर को देख करके अच्छे अच्छे उस पर फिदा हो गए हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस अभी ट्रेंड पे बहुत चल रहा है, कैसे किस तरह से आए हैं मिलने के लिए, अभी देख सकते हैं ये बिल गेट्स आपके स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, देखिए। दोस्तों, इस ये खबर को बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी चलाए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा, देखिए। बिल गेट्स दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना। जो चाय वाले तो हैं ही, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इसलिए अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। किस तरह से चीनी चैनल चला रहे हैं इसके बारे में, डॉली की टपरी के बारे में और डॉली के बारे में। आज उसके पास फुर्सत नहीं है, बड़े बड़े कार में घूमते हैं, बड़े महंगी महंगी गाड़ी लिए हैं, उसके पास टाइम नहीं रहते हैं। आजकल पब्लिक उसका इंतजार कर रहे हैं, जमाना था जब वो कस्टमर का इंतजार करते थे कि शायद एक कस्टमर और आ जाए जो एक चाय और मेरा बिक जाए, अब वो जमाना नहीं रहा उसके लिए, आज वो दिन नहीं रहा उसके लिए, आज कस्टमर उसका इंतजार करते हैं सुबह से शाम तक। अगर पता चल जाता है कि शाम में जरूर आएंगे तो सुबह जाकर के बैठ जाते हैं, शाम तक आएंगे, किसी टाइम भी आ जाए तो मुलाकात नहीं हुआ तो इसलिए वहीं पर बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं उसका। आज उसके वक्त का बहुत वैल्यू हो गया, उसके आने का वहां बहुत वैल्यू हो गया। अब बताइए यूट्यूब एक ऐसा पावर है, कहां से कहां पहुंचा दिया उसको, देखिए। तो दोस्तों, बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद जो एक रील्स क्रिएट किए हैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए सुने क्या करे। कुछ लोग आए थे हमारे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर, ये तो मेहनत का फल है ना साहब, आ गए ना सीधा बिल गेट्स सर को चाय पिलाकर, समझने का काम है। हाँ मेरी जान, देख सकते हैं क्या बोला,
सोशल मीडिया का पावर है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ मीडिया वाले ने उसके पास पहुंचे, डोली की टपरी, डोली से मिले और उससे बात किए कि कैसे पिलाए उसको चाय, कहां पे मिले। तो देख सकते हैं किस तरह से बातें कर रहे हैं, आपको सुना रहा हूं, आप देखिए। कैसा लगा आपको, क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया अगले दिन, यानी उसको पता चाय पिलाया लेकिन उसको मालूम नहीं चला कि डोली तुमने किसको चाय पिलाया। यानी चाय पिलाने के बाद इतना वायरल हुए कि उसको खुद को पता नहीं चला कि कैसे मैं वायरल हो गया, मेरे को खुद नहीं मालूम, ऐसा बोल रहा है वो। उनका कहना ये पता चला कि डोली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा, उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डोली की चाय। आपके बारे में उन्होंने पूछा होगा, कैसा आपने ये शुरू? नहीं नहीं, कुछ बातचीत हुई नहीं हमारी, बस वो जस्ट मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े थे और बिल्कुल मेरा अपना काम चालू था चाय बनाने का। फिर जैसी चाय तैयार हुई बिल्कुल उनके हाथ में चाय दिया मैंने। उनको पसंद आई? जी हाँ बिल्कुल पसंद आई। ये आपका जो स्टाइल है ये आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? अडॉप्ट कुछ नहीं किया, बस मैंने कॉपी किया, जो साउथ की जो मूवी देखता हूँ मैं, बस वहाँ से ही सीखा हूँ मैं। अरे भाई उसका स्टाइल है, वो अपना अपना सब दिमाग से यूज करते हैं, खैर उसका वही स्टाइल उसको वायरल कर दिया। सबके हर दिल के हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, बस फर्क यही है कोई टैलेंट को अपना शो करता दिखाता है सोशल मीडिया पे, और कोई अपना रहता है कि चुपके से बैठे रहता है। तो यही है, अगर किसी के पास टैलेंट हो तो अपना सोशल मीडिया पे डाले, अपना टैलेंट को दिखाए, तब ना पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ टैलेंट है, इसमें कुछ टैलेंट है, तब ना आपके पास आएगा, आपको वायरल करेगा, हाँ ये बंदे को आगे जानी चाहिए, कुछ ना कुछ टैलेंट लेकर के बैठा हुआ है। हाँ अगर टैलेंट है हमारे पास, उस टैलेंट को हम घर पे ही रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता टैलेंट को। आपके पास कुछ टैलेंट है तो उसे जरूर सोशल मीडिया पर डाले और अपने टैलेंट के दम पे पब्लिक को मनोरंजन करे, तभी आप भी, आपका भी कुछ चांस है, आप भी कुछ कभी न कभी आपका किस्मत साथ दिया तो आप भी वायरल हो सकते हैं। अगर आपके आप में कुछ टैलेंट है तो मेहनत करिए, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आपको पता है बिल गेट्स ने आपका वीडियो भी शेयर किया? हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैंने कल ही देखा, ये कल ही देखा मैंने, जब मैं नागपुर आया अगले दिन मेरे को पता चला। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है मेरे को, मैं कहता है कि मैं नागपुर का डॉली चाय वाला सही में बना हूँ। यानी रील्स जो बनाए बिल गेट्स साहब ने तो उसके वीडियो को शेयर भी किए उन्होंने, यानी उनके वीडियो को शेयर भी किया, तब डोली को पता चला, तब एकदम झूम उठे, एकदम खुशी में झूम उठे, मैंने क्या किया, मैंने किसके साथ वीडियो बनाया, मेरा वीडियो किसके साथ गया, मैंने किनको चाय पिलाया, वो एकदम बहुत एकदम सीना चौड़ा की हुआ है। अभी भविष्य में आपको किसको चाय पिलाने वाले? नरेंद्र मोदी जी को, और पक्का पिलाएंगे उनको चाय अगर जो हमारे पास आएंगे तो। आपको ये जानकारी थी कि आपको बिल गेट्स के पास ले जाया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ हाँ, अब उसने वादा कर दिया, अब उसने वादा ठोक रहा है कि अब चाय पिलाऊंगा तो सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब चाय पिलाएंगे। वो देखते हैं फिर कब वो वीडियो ऐसा आता है, कौन सा दिन आता है, इंतजार करते हैं हम लोग। अब देश के प्रधानमंत्री को भी चाय पिलाने के लिए वादा कर रहे हैं तो कब पिलाएंगे, हम लोग रहेंगे तो देखेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं, इनका इंतजार करते हैं। प्रधानमंत्री को जब चाय पिलाएंगे तब देखते हैं कैसा रील्स बनता है और प्रधानमंत्री ने किस तरह से काबिलियत इनका बयान करते हैं, किस तरह से इसको आशीर्वाद देते हैं, देखते हैं। अपना वाला इवेंट करने के लिए गए थे, जो टीम ने हमको बुलाए थे बस वही काम करने के लिए गए थे, और फिर अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिला के आया भाई। यानी इसको इनके पास जानकारी भी नहीं थी कि बिल गेट्स साहब हमारे पास आएंगे चाय पियेंगे, इसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। इतने बड़े व्यक्ति तक पहुंचना, ये आप कैसा देखते हैं इसे? हाँ मेरे को तो प्राउड भी फील हो रहा है, एकदम प्राउड फील हो रहा है मेरे को कि मैं सेमी उनको मिल के आया। तो भविष्य में आपकी और क्या योजना है? बस मैं अपने लाइफ में बस लोगों को चाय पिलाऊं और दिन भर स्माइल दूं और लोगों से भी स्माइल लूं, बस यही चाहता हूं कि हंसते रहो और हंसाते रहो। चलो ऐसे हंसते रहे और हंसाते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप भी कुछ टैलेंट दिखाइए, आपके अंदर में कुछ टैलेंट है तो आप भी सामने आइए, सोशल मीडिया पर आइए, कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाइए। तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।